नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंडियन कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, हम लोग टेंस को पढ़ रहे हैं और टेंस के सीरीज में हम लोगों ने अभी इसके पहले पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ लिया है। आज की सीरीज में हम आपको पास्ट परफेक्ट टेंस को पढ़ाएंगे। पास्ट परफेक्ट को पढ़ाने से पहले हम आपको एक बार बता दें, पास्ट परफेक्ट टेंस दो रूपों में होता है, एक सिंपल होता है और एक कॉम्प्लेक्स होता है। पहले हम सिंपल सेंटेंस को पढ़ेंगे, उसके बाद से फिर हम कॉम्प्लेक्स को पढ़ेंगे। जैसे सिंपल और कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड, ये तीन तरह के सेंटेंस होते हैं और इन तीनों सेंटेंस को भी हम बताएंगे, लेकिन आगे के वीडियो में इसको हम जानेंगे कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, उसको कैसे पहचानते हैं, कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। लेकिन फिलहाल हम अभी टेंस को पढ़ रहे हैं तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। और यहाँ जैसे कि हम पास्ट परफेक्ट में सिंपल सेंटेंस को पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले जान लेते हैं हम कि पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है। यदि किसी सेंटेंस के अंत में चुका था, चुकी थी, या था, ये थी, आते हैं, तो वह सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का होता है। और इसमें यह लगता है कि पास्ट में कोई कार्य हो चुका है, कोई कार्य पास्ट में हो गया, कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहां पे क्या होता है, हमने ये बताया कि इसमें सिंपल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। सिंपल सेंटेंस जैसे देखिए, जैसे मेरा भाई दिल्ली से आ चुका था, जैसे मेरा भाई दिल्ली से आ चुका था, ये सिंपल सेंटेंस हो गया। लेकिन अब इसको अगर हम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स के लिए कि मेरे घर पहुंचने से पहले मेरा भाई दिल्ली से आ चुका था, या मेरे घर जाने के बाद मेरा भाई दिल्ली से आया था। तो इस तरह से आपका सिंपल सेंटेंस हमने बताया, कॉम्प्लेक्स बताया। अब आइए दोस्तों, हम पास्ट परफेक्ट टेंस के सिंपल सेंटेंसेस को पढ़ते हैं। इसमें सिंपल सेंटेंसेस क्या है, अब देखिए इसमें आते हैं हम लोग। पहला जो है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, देखिए सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, हेड का प्रयोग करते हैं, वर्ब के थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करते हैं। इसमें सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हम वर्ब के थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। और आइए दोस्तों अब हम पढ़ते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में देखिए हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, हेड का प्रयोग करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीमेंट। सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, सबके साथ हम क्या करते हैं, हेड का ही प्रयोग करते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब हेड का ही प्रयोग करते हैं और किसी भी परफेक्ट में वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, तुम्हारा भाई अपना काम पूरा कर चुका था। देखिए चुका था, तुम्हारा भाई अपना काम पूरा कर चुका था, तो अपना काम पूरा कर चुका था, देखिए सब्जेक्ट क्या है, योर ब्रदर। अब यहाँ क्या हो गया, आइदर सिंगुलर और प्लूरल, वी ओनली यूज हैज। और यहाँ जो हो गया योर ब्रदर हैज पूरा करना का, देखिए कंप्लीट होता है, थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हिज वर्क हो जाएगा, वो उसका भाई क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ क्या हो गया, हिज वर्क हो गया। तो इसका हो जाएगा कि योर ब्रदर हैड कंप्लीटेड हिज वर्क। नेगेटिव के लिए सिंपल सा फार्मूला होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं। देखिए स्ट्रक्चर में भी सब्जेक्ट है, नॉट, वी थ्री, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल, लड़कियां तुम्हें अपनी पुस्तक नहीं दे चुकी थी, कौन नहीं दे चुका था, देखिए यहाँ पे क्या है, गर्ल्स। इसके बाद हैड हो गया, नॉट हो गया, गिवन यू देयर बुक्स। यहाँ देखिए क्या हो गया, दो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है दोस्तों, ये गिवन हो गया और क्या हो गया, यू हो गया। तो यहाँ इससे सॉरी, ये गिवन तो वर्ब है, ये यू हो गया और क्या हो गया, देयर बुक्स हो गया। तो यू क्या है, यू आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है,
और देयर बुक्स क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जैसा कि इसके पहले हमने इसके वीडियो बना रखा है कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, कैसे पहचानेंगे, कितने प्रकार का ऑब्जेक्ट होता है। तो इसमें देखिए उसमें क्या है, बताया गया कि दो तरीके से क्या होता है ऑब्जेक्ट होता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, लिविंग होता है। और यहाँ देखिए तो गर्ल्स हैड नॉट गिवन, गिवन वर्ब हो गया, अयु क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट है, तो क्या है ये लिविंग है, तो क्या हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। देयर बुक्स ये क्या है, नॉन लिविंग है, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए सिंपल सा है, दो तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं, पहला विथ हेल्पिंग वर्ब और दूसरा विथ क्वेश्चन वर्ब। विथ हेल्पिंग वर्ब में हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, वर्ब का डॉट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, क्वेश्चन मार्क। यहाँ एग्जाम्पल देखिए, क्या तुम ताजमहल देख चुके थे, तो देखिए क्या तुम ताजमहल देख चुके थे, विथ हेल्पिंग वर्ब का सेंस किससे है, जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के पहले आए, जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के पहले आए, तो देखिए क्या क्या आ गया, पहले आ गया, तो क्या तुम ताजमहल देख चुके थे, तो क्या हो गया, हैड हो गया, ही हो गया, सीन द ताजमहल। ऐसे दूसरा देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड होता है, विद क्वेश्चन वर्ड कब होता है, जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आए, जब प्रश्नवाचक शब्द क्या होते हैं, वाक्य के बीच में आते हैं, तो उसके लिए करना क्या होता है, उनकी इंग्लिश हम पहले लिख लेते हैं, और बाकी जैसे हम विद हेल्पिंग वर्ड का फार्मूला है उसी तरह से इसको भी हमने क्या कर दिया, यहाँ लिख दिया। जैसे देखिए इसको ध्यान से देखते हैं अगर हम, तो यहाँ देखिए क्यू डब्ल्यू क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश पहले लिख दिए, और इसको पहले लिख दिए, उसके बाद से क्या हो जाएगी, हैड यहाँ आ गया, हैड यहाँ आ गया, सब्जेक्ट यहाँ आ गया, सब्जेक्ट यहाँ आ गया, बी3 है, बी3 है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट है, क्वेश्चन मार्क है। सिंपल, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से इसको आप समझ सकते हैं, बस थोड़ा सा सोचना है, और किसी भी चीज को समझने के लिए थोड़ा सा आपको अटेंशन लेना पड़ता है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। और इंट्रोगेटिव का सिंपल सा देखिए, अगर आप ये पहला बना दे रहे हैं तो दूसरा भी बना लेंगे, क्योंकि क्या है क्यू डब्ल्यू की इंग्लिश बस पहले आ जाएगी, बाकी सेम होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, तुम उपन्यास कब पढ़ चुके थे, देखिए कब पढ़ चुके थे, तो कब हो गया, वेन हो गया, हैड हो गया, फिर क्या हो गया, यू सब्जेक्ट, व्हेन हैड यू रीड अ नॉवल, उपन्यास कब पढ़ चुके थे। और जब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना लिए, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव देखिए अगला क्या है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का एक सिंपल सा फार्मूला होता है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, और बाकी शेष जो रूल होते हैं वो क्या होते हैं, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के ही होते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर बनाते हैं तो क्या करेंगे, हैड सब्जेक्ट इसी के बाद से नॉट लगा देंगे, बाकी सेम हो जाएगा, बी3 ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन मार्क। यहाँ हम क्या करेंगे, क्या तुम ताजमहल नहीं देख चुके थे, तो क्या तुम ताजमहल नहीं देख चुके थे इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए, तो देखिए हैड यू, यू के बाद क्या है, नॉट लग जाएगा, सी द ताजमहल। और विद क्वेश्चन वर्ड में भी वही होगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा देंगे। अब देखिए तो क्या तुम उपन्यास कब नहीं पढ़ चुके थे, तुम उपन्यास कब नहीं पढ़ चुके थे, when had you not read a novel, when had you not read a novel, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी बन जाएगा। तो हमने क्या सीखा, हमने देखिए सीखा पढ़ा प्रेजेंट, सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस को हम पढ़े, पास्ट परफेक्ट टेंस में हमने क्या पढ़ा, इसकी पहचान होती है वाक्य के अंत में, चुका था, चुकी थे, या था, ये थे, आते हैं, और ये दो तरीके से बनाया जाता है, एक सिंपल बनाया जाता है, एक कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है। आज हम आपको सिंपल बता रहे हैं, इसके बाद वाले वीडियो में क्या आप पाएंगे, कॉम्प्लेक्स को हम बनाएंगे और बताएंगे, और उसमें बहुत ज़्यादा बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि बिफोर कैसे होगा, आफ्टर कैसे होगा। जैसे बहुत सारे आप बुक्स में पढ़ेंगे देखेंगे उसमें ये दिया हुआ कि प्रिंसिपल क्लास को सबॉर्डिनेट बना देते हैं, सबॉर्डिनेट को प्रिंसिपल बना देते हैं बिफोर और आफ्टर के यूज में। लेकिन हम आपको बता दें कि उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, उसके बाद से आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बिफोर और आफ्टर वाले सेंटेंसेस को चेंज करने में। बहुत आसानी से आप समझेंगे कि कैसे हम चेंज करते हैं, सिंपल सा फार्मूले के तहत हम
वीडियो को बनाएंगे और पास्ट परफेक्ट के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हम समझाएंगे। तो यहाँ देखिए हमने क्या अफर्मेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के साथ हेड और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का प्रूव करते हैं। निगेटिव के लिए हम हेड के वास्ते इट मीन्स हेल्पिंग वर्ब के वास्ते नॉट का प्रूव करते हैं और उसके बाद इंट्रोगेटिव के लिए क्या करते हैं हेड को पहले लेकर आते हैं और इंट्रोगेटिव में दूसरा जो टाइप होता है विद क्वेश्चन वर्ड में क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश पहले लिखते हैं और इंट्रोगेटिव निगेटिव का एक सिंपल सा फार्मूला है कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही नॉट का प्रूव करते हैं और बाकी जो रूल होते हैं वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के ही होते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट को पढ़ा और इसके बाद वाले वीडियो में पास्ट परफेक्ट का कॉम्प्लेक्स हम पढ़ेंगे। उस वीडियो को देखने के लिए और आगे के सारे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।